गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी बसंत में मैं आपको पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ा रही हूँ, जिसके कवि हैं नरोत्तम दास। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की इतनी दयनीय अवस्था देखी तो उन्होंने क्या महसूस किया? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कृष्ण भगवान उनकी दयनीय अवस्था को देखकर इतना व्यथित हो गए, इतना परेशान हो गए कि करुणा करके उन पर उन्होंने करुणा की और वो खुद भी रोने लगे। उनकी अवस्था को देखकर, उनकी परेशानी को देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। जो उनके पैरों को धोने के लिए जल मंगवाया गया था, परात में पानी मंगवाया गया था, उस पानी की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कृष्ण भगवान को उनकी आँखों से ही इतनी अश्रु की धाराएं बही कि उस आंसुओं के जल से ही उनके सुदामा के पैर धुल गए। यानी कि कृष्ण भगवान सुदामा को की दशा को देखकर इतना व्यथित हो गए और वो इतना उनको देखकर दुखी हुए, इतना रोने लगे कि उनके आंसुओं से ही उनके सुदामा के पैरों को धो दिया गया और परात में जो पानी लाया गया था उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ी। थैंक यू।